हेलो माध्यम फैमिली, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम आए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, जो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद भी साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से, जो कि आपको बताएगा कि ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद के डेवलपिंग सेक्टर्स की दिन पे दिन आसमान छू रही प्रॉपर्टीज में से आखिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो हम आपको ये बता दें कि फरीदाबाद में हो रहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से ग्रेटर फरीदाबाद इन्वेस्टर्स की रडार में टॉप पर है, क्योंकि ये लोकेशन आपको कनेक्ट करती है गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा से। यही नहीं, इस डेवलपमेंट ने यहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइसेस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, वो भी केवल 2 साल के टाइम स्पैन में। और माना जा रहा है कि फ्यूचर में ग्रेटर फरीदाबाद की प्रॉपर्टीज एक नया बेंचमार्क सेट कर सकते। तो आइए जानते हैं किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से होगी आपकी वेल्थ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। सबसे पहले तो इस लिस्ट में आता है सेक्टर 70, जो एक फास्ट डेवलपिंग लोकेलिटी है जहां आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की, फरीदाबाद बाईपास की, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, वॉलेट लाइन की, या फिर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन की। प्रोपेक्स सिटी, सिलिकॉन वैली और अंसल रॉयल हेरिटेज जैसे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ रेजिडेंशियल लैंड ऑफर करते हैं। और तो और, इस सेक्टर को माना जाता है फरीदाबाद के स्मॉल प्लॉट्स का हब, जो कि स्टार्ट होता है 100-200 स्क्वायर यार्ड से, जिनके प्राइजेस स्टार्ट होते हैं ₹24,000-36,000 पर स्क्वायर यार्ड से। बात करें फैसिलिटीज की तो हम आपको बता दें कि इस सेक्टर के आसपास फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, NTPC, सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और मानव रक्षक हॉस्पिटल, देवल हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स भी। यहां तक कि मलबेरी काउंटी, हुड्डा मार्केट, चौधरी जयराम सिंह मार्केट जैसी मार्केट्स की भी यहां कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं सेक्टर 81 और उसकी फैसिलिटीज पर। तो ये सेक्टर आपको जोड़ता है नेशनल हाईवे 19, बाटा चौक, नीलम चौक मेट्रो स्टेशन जैसे कनेक्टिविटीज से, और तो और नहर पार के बहुत से कॉमर्शियल हब से, और नोएडा के सेक्टर 132-143 से बाया फरीदाबाद बाईपास रोड। यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट ज़्यादातर गेटेड कम्युनिटीज़ में बने हैं, जहाँ की 24/7 सिक्योरिटी, वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीट्स, लैंडस्केप गार्डन जैसी फैसिलिटीज आपको 100-180 स्क्वायर यार्ड के एरिया में सिर्फ ₹83,000 पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस में 1 साल के प्रदर्शन के साथ मिल जाएंगी, जिसके पूरे चांसेस हैं 80-90% वैल्यू अप्रिसिएशन के, वो भी कुछ ही ईयर्स में। इस एरिया में अरावली इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, द श्री राम मिलेनियम स्कूल जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नोबल हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और चौधरी ब्रह्मजीत बढ़ाना मार्केट, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, BPTP डिस्ट्रिक्ट वॉक जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी पास में ही सिचुएटेड हैं। अब बारी है सेक्टर 84 की शानो शौकत को समझने की। तो ये सेक्टर एक डेवलपिंग लोकेलिटी है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से करीब 8-10 किलोमीटर दूर, जो कि इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि सेक्टर 79, SRS टावर, LNT बिजनेस पार्क यहाँ से डायरेक्टली एसेसिबल है। BPTP लिमिटेड के पास इस सेक्टर में बहुत सारा लैंड होल्डिंग है, जिसमें मिलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 24/7 सिक्योरिटी, मेडिकल सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कई सारी फैसिलिटीज। यहाँ 100-400 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ₹46,000 पर स्क्वायर यार्ड से ₹62,000 पर स्क्वायर यार्ड में मिल जाएगा। और यही नहीं, बल्कि इस लोकेलिटी में आपको सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, APJ स्कूल, परमहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंजुली नर्सिंग होम, गोयल ICU, गवर्नमेंट हॉस्पिटल CHC जैसे एजुकेशनल और हेल्थ केयर पॉइंट भी मिलेंगे। और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो जैप नाव, मोदी मार्केट, खेड़ी कला बस स्टैंड मार्केट भी नज़दीक में ही है। अब आते हैं सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर पे, जो कि है ग्रेटर फरीदाबाद का सेक्टर 85, जो अपने बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉपुलर है। और यहाँ की कनेक्टिविटी के तो क्या ही कहने, क्योंकि चाहे वो फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब हो, दिल्ली आगरा हाईवे की सुपीरियर कनेक्टिविटी हो, या फिर प्रपोज्ड वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सेक्टर आपको देगा मनचाही कनेक्टिविटी। BPTP डिस्ट्रिक्ट 3 और यूनिवर्सल ग्रीन जैसे ओवर द टॉप प्रोजेक्ट भी यहाँ रेजिडेंशियल लैंड ऑफर करते हैं, जो 100-250 स्क्वायर यार्ड के साइजेस और ₹50,000-60,000 पर स्क्वायर यार्ड के प्राइजेस में आपको मिलेंगी। ये सेक्टर अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेल मेंटेन रोड्स, फ्रीक्वेंट पुलिस पेट्रोलिंग, इन्वायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ के चलते काफ़ी फेमस है। तो ये थी कुछ प्रॉमिसिंग लोकेलिटीज़ जहां फरीदाबाद की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट को बनाएंगी सेफ और प्रॉफिटेबल। तो हमेशा की तरह डिसीजन आपका है, आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी लोकेशन है, कौन सी प्रॉपर्टी है। हम आपके लिए और भी ऐसी ही प्रॉमिसिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ के।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई प्रॉपर्टी के साथ। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।